हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ देवयानी चौबे। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में शानदार जीत हासिल करने के बाद अब भारत और इंग्लैंड वनडे फॉर्मेट में आमने सामने होंगे। 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच आज भारतीय समय अनुसार 7 बजे से पुणे में खेला जाएगा। इस बीच में भारत के लिए ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन, और आज इस मैच में रोहित शर्मा भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम हिटमैन के उस रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि फिलहाल चल रही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को आप माई 11 सर्कल पर खेल सकते हैं, क्योंकि अभी यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है। इस ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपये का बोनस मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर VVS लक्ष्मण भी हर मैच के लिए अपनी टीम बनाते हैं। यदि आपकी टीम VVS लक्ष्मण की टीम को हरा देती है तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 5 गुना ज़्यादा कैश। काफ़ी सारे लोग यहां से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से डाउनलोड करने के बाद आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलने वाला है। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ऑन रिस्क। नहीं बदलेगी वनडे की ओपनिंग जोड़ी, रोहित धवन ही करेंगे शुरुआत। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार को होने वाले पहले वनडे की पूर्व संध्या पर सोमवार को कहा है कि रोहित शर्मा के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन पारी की शुरुआत करेंगे। विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में रोहित के साथ पारी की शुरुआत की थी, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि 50 ओवर के फॉर्मेट में रोहित और शिखर की पुरानी जोड़ी ही पारी की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा है, जहां तक ओपनिंग साझेदारी का संबंध है, शिखर और रोहित निश्चित रूप से पारी शुरू करेंगे। जब बात एक दिवसीय क्रिकेट की होती है तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों बल्लेबाजों के एक साथ पारी शुरू करने को लेकर कोई संदेह है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कुछ युवा खिलाड़ी पहली बार एक दिवसीय फॉर्मेट में अपनी चुनौती रखेंगे, इसलिए मैं यह देखने को उत्सुक हूं कि ये युवा खिलाड़ी किस तरह इंग्लैंड की मजबूत टीम के खिलाफ अपनी चुनौती रखेंगे। 32 वर्षीय भारतीय कप्तान ने साथ ही कहा है कि लोकेश राहुल पर टीम प्रबंधन को पूरा भरोसा है। हालांकि T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा था। राहुल को इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और निर्णायक T20 मुकाबले में एकादश से बाहर रखा गया है, लेकिन वनडे फॉर्मेट में वह 5वें नंबर पर अपनी भूमिका के साथ न्याय करेंगे। विराट के साथ ही कहा है, जब कोई खिलाड़ी किसी कठिन दौरे से गुजरता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह खेलना भूल गया है। मेरा मानना है कि क्रिकेट में बल्लेबाजों का काम गेंद को देखना और उस पर हिट करना है। इसके बाहर यदि कभी और कोई बात होती है तो वह सिर्फ बकवास है। हम अपने खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं और उन्हें मानसिक मजबूती देना चाहते हैं। गौरतलब है कि T20 सीरीज में कई बार सलामी जोड़ी बदली गई है। 5 मैचों में 4 बार सलामी जोड़ी बदली गई है। पहले मैच में शिखर धवन और KL राहुल की जोड़ी उतरी थी। दूसरे मैच में KL राहुल और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज के तौर पर मौजूद थे। तीसरे मैच में रोहित शर्मा ने वापसी की और KL राहुल के साथ ओपनिंग की। चौथे मैच में यही जोड़ी बरकरार रही। फिर 5वें T20 में विराट कोहली ने सबको चौंकाते हुए रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की। धवन के लिए विशेषकर यह श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह 35 वर्षीय सलामी बल्लेबाज अहमदाबाद में अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय में प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहा, जिसके बाद उन्हें अन्य मैचों में मौका नहीं दिया गया। भारत के पास शीर्ष क्रम में कई विकल्प मौजूद हैं। सुमन गिल अभी टीम में है, जबकि पृथ्वी शाह और देवदत्त भी अपना दावा पेश कर रहे हैं, और ऐसे में धवन के लिए यह मैच अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। रोहित ने T20 में शानदार प्रदर्शन किया था और वह अपनी इस फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। वनडे प्रारूप में धवन को अपनी पारी को संभालने का समय मिल जाता है, और ऐसे में दिल्ली का यह अनुभवी बल्लेबाज मंगलवार को फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेगा। इस कारण रोहित शर्मा के साथ ही शिखर धवन पारी की शुरुआत करेंगे।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में माय 11 सर्कल को डाउनलोड करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।